मेरा नाम हुमा जाफर है और मैं 2017 बैच की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम FH मेडिकल कॉलेज आगरा। स्पेशली मेरी पैथोलॉजी की HOD डॉक्टर रूस फातिमा और डॉक्टर सी के चौधरी, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इस सब्जेक्ट को समझने में और इसमें आंसर कैसे लिखना है ये बताने में। पैथोलॉजी जो है वो मोस्टली हमें जो हम टिश्यू कल्चर्स लेते हैं और उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो कैसा दिखता है इसके बारे में। आजकल कैंसर वगैरह बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं तो पैथोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रूव होता है अपने आप में, इसलिए मुझे पैथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और मैंने अपनी तैयारी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम रॉबिन्स को मैंने अपना वो बनाया और मैंने उसी में जो भी मैंने एक्सेसिव एक्स्ट्रा जो भी मुझे नॉलेज मिलती गई मैंने उसमें ऐड करते रहा। साथ ही मेरे क्लास नोट्स एंड में बहुत काम आते हैं। आजकल लोग क्लास नोट्स को छोड़ के एप्स की तरफ ज्यादा जाते हैं लेकिन मैंने हमेशा से क्लास नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया और क्लासेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। जहां तक से माइक्रोबायोलॉजी की बात है तो माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीजेस से रिलेटेड है और माइक्रोबायोलॉजी के HOD डॉक्टर RP सिंह, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी पसंद था, उससे हमारे टीचर्स इतने एंथुजियास्टिक तरीके से पढ़ाते हैं तो हमें और पढ़ने का मन करता है। तो माइक्रोबायोलॉजी की तैयारी मैंने क्लास टीचर्स की नोट्स हुमा मैम इन सब की मदद से कम्प्लीट की और उसके लिए जो बुक मैंने यूज़ की थी वो अपूर्वा शास्त्री थी। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो बेसिकली जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस फंगाई पैरासाइट जो भी मौजूद होते हैं उन सब की पढ़ाई होती है। तो हमारे जितने भी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हमें टाइफॉइड हो रहा है, हमें किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं तो उन सब के बारे में हमें माइक्रोबायोलॉजी से ही पता चलता है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि अब हम जैसे कि अब हम COVID-19 को देख सकते हैं, COVID-19 अपने आप में एक इन्फेक्शियस डिजीज है तो अगर माइक्रोबायोलॉजी में ही हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी आज के समय के लिए स्वास्थ्य विभाग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में सामने आता है। FH मेडिकल कॉलेज में मैं 2017 में आई थी और वहाँ से लेके आज तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ी डरी हुई थी लेकिन यहाँ के टीचर्स यहाँ की फैकल्टी यहाँ की मैनेजमेंट टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं ये भूल गई कि मुझे घर की भी याद कम आने लगी। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत रोया करती थी लेकिन फिर धीरे धीरे मैं यहाँ बस गई और मैंने यहीं पर अपना परिवार बना लिया और आज 4 साल खत्म होने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि मुझे अब 1 साल बाद जाना है तो मुझे ये सोचकर भी काफ़ी दुख होता है। फिर मैंने इस कॉलेज को बढ़ते हुए भी देखा है, जब हम यहाँ पर आए थे तो कॉलेज काफ़ी नया था। इस कॉलेज की फैकल्टी इस कॉलेज की मैनेजमेंट ने आज इस कॉलेज को इतना ऊंचा पहुँचाया है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग अब FH मेडिकल कॉलेज को जानने लगे और काफ़ी अच्छे ग्रुप में जानने लगे। तो मेरा अनुभव इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा रहा है और मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कहूँगी कि इस कॉलेज का नाम हमेशा ऐसे ही ऊंचा रखते रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमें अपनी क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए। आजकल कहीं भी हम किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़रूरी हो गई है, इसलिए क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए, क्लासेस हमेशा करनी चाहिए, अपने टीचर्स को इज्जत देनी चाहिए और अपने मैनेजमेंट की बात समझनी चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं हमारे भले के लिए कह रहे हैं। अपने बड़ों की बात सुनना है, इसका अल्टीमेट थिंग दैट कैन मेक अस रीच टू एनी पोजिशन। हमें कहीं भी पहुंचना है अपने क्लास समझनी होगी, हम जो पढ़ रहे हैं उसे मन से पढ़ना होगा, हमें अपने एग्जाम्स अच्छे से देने होंगे, ईमानदारी से देने होंगे, कोई भी गलत तरीका नहीं।
नहीं इस्तेमाल करना होगा और उनका भी जीवन मेरी तरह ही अच्छा रहेगा। सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज तक से हमेशा सपोर्ट किया है। उसके बाद मेरे सारे टीचर्स, मेरी फैकल्टी, मेरे चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर और मेरे प्रिंसिपल सर डॉक्टर आर के गोयल, इन सबको मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगी।